रिकॉर्डली जो मुकदमे दर्ज हैं या रिकॉर्डली उनके पास कंप्लेंट है, परिवाद हैं, उनके लिए वो पैसा जरूर तकसीम किया जाएगा। अगर इनकी जमीन लीलाम होगी और कोर्ट से उस जमीन की लीलामी के लिए अगर कुछ भी संभव प्रयास करके कोर्ट कचहरी आदेश करेगा तो उन्हीं के लिए करेगा जिनके रिकॉर्ड पर मुकदमा दर्ज हो। अच्छा। मैंने यहाँ 35 से 40 आदमियों को बुलवा लिया था और DSP साहब से और CI साहब से, कोतवाल साहब से मेरी पहाड़ी थाने में बैठ के बात हो गई थी और मैं वहां नाम जब भी मुकदमा दर्ज करा रहा था, मतलब वो 25-30-32 लोगों का मुकदमा दर्ज हो रहा था, 30 से 32 लोगों का मुकदमा मैं नामजदी करा रहा था। पूरी फॉर्मेलिटीज हमने कंप्लीट कर ली थी, पूरा मजमून बनाने में हमें रात के 9 बज गए थे, सुबह से शाम हमको हो गई थी। एक पाम खड़ा होकर के हमने सारे लोगों के परफॉर्मा तैयार किया, FIR लॉज करने के लिए सारे तरीके से जो कंटेंट थे उन सबको तैयार किया, कंप्लीटली तैयार किया, अच्छे बेहतरीन वकीलों से हमने मशवरा किया और मशवरा कर करके कोतवाल साहब के पास थाने में जब तक हम पहुंचे जब तक 9:30-10 बज चुके थे। SHO साहब ने मेरे से इतना कहा, बड़े भाई लेट हो गए और मुकदमा हम दर्ज अब भी कर लें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सुबह आप आ जाते हो तो और बेहतर रहेगा और सोच समझ के इसमें जो धाराएं हैं उनको हम मजबूती से जो है सोच समझ के रखेंगे और वो कमी कोताही होगी उसकी भी इसमें पूर्ति कर लेंगे। अच्छा, तो मैंने अपने लोगों से कहा कि मैं ऐसा करते हैं, हम सुबह आते हैं और सुबह मुकदमा दर्ज करते हैं। उसमें हमारे साथ हमारे एक दो पत्रकार भी थे, जाहिद भाई था, समीम भाई था, एक दो चार और थे, अपने उमर भाई था, काफी लोग थे वहां। इन सब के बीच की वो बात है, जैसे ही मैंने सबसे अनुमति ली मोको भाई कल तुम सबको आना है, मुकदमा तब भी हो जाता है लेकिन रात में हम इस मुकदमे को बिल्कुल करेक्ट एकदम फर्स्ट क्लास करना चाहते हैं, कमी कोताही कहीं इसमें नहीं रहे। तो सुबह के लिए मैंने उनको सबको इनवाइट किया थाने पाने के लिए, लेकिन सुबह जब हुआ दिन निकला तो अभी तक उन 29 को 29 लोगों को ना तो मेरे पास फोन आया है और ना मेरा फोन उन लोगों ने उठाया है और वो इन कागजों को देकर चले गए। उनसे किसी ने बोल दिया तुम मुकदमा कराओगे तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जबकि एक यही रास्ता है कि आप मुकदमा कराओगे आप रिकॉर्ड पे आएंगे तभी पुलिस के पास जो भी पैसा आएगा जो उनका जो है उनसे पैसा जो वसूल किया गया है पुलिस ने रिमांड के दौरान वो पैसा जो पुलिस के पास जमा है अगर उस पुलिस प्रशासन उस पैसे को तकसीम करने में सफल होगी तो इनसे अल्लाह ताला मुझे लगता है पुलिस के पास जो रिकॉर्डली जो मुकदमे दर्ज हैं या रिकॉर्डली उनके पास कंप्लेंट है परिवाद है उनके लिए वो पैसा जरूर तकसीम किया जाएगा। अगर इनकी जमीन लीलाम होगी और कोर्ट से उस जमीन की लीलामी के लिए अगर कुछ भी संभव प्रयास करके कोर्ट कचहरी आदेश करेगा तो उन्हीं के लिए करेगा जिनके रिकॉर्ड पर मुकदमा दर्ज हो। मैं इतना जानता हूँ, आरोप प्रत्यारोप लगाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना बताता हूँ अल्लाह पाक गारत में मिलाएगा उन लोगों को जो लोग इन गरीब और मजलूमों के पैसों को मतलब इनके बारे में गलत सोचेंगे। अल्लाह पाक मुझे कल मौत दे दे अगर मेरे मामले में कोई सोच भी नहीं आ सकती मेरे अंदर इस चीज की और ना इस दुनिया की ताकत है भेड़चोद कोई आदमी मेरे को ये कर दे मेरे मुंह से कोई और बुरी बात निकले। मैं अपने धर्म और कसम है मेरा मैं ईमान धर्म से ये कह रहा हूं कि मैं बहुत नफरत करता हूं चोर गुंडे लोगों से, बहुत से लोगों ने लाशों को बेचा है उन लोगों से मैं नफरत करता हूं, बहुत से लोगों ने सपोर्ट दिया है लाश बेचने वाले लोगों को उनसे मैं बहुत बड़ी नफरत करता हूं, मैं उनसे बिल्कुल गुथ भी सकता हूं लड़ भी सकता हूं, लेकिन इस चीज में जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो ये चीज बिल्कुल मुझमें सहन होने वाली नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, आखिरी सवाल इसमें ये है कि जो जिन लोगों के साथ अर्जी वालों के साथ आप शुरू से खड़े थे और वो लोग आपकी वीडियो देखकर एक भरोसा रखते थे, आप पर यकीन रखते थे कि भाई सरपंच साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, ऐसे में काफी दिन हो गए आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होते, तो ऐसे में आप अर्जी वालों से क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप ऐसा है? अब से पहले 20 तारीख या 19 तारीख में हमने स्टेटमेंट दिया था, महबूब डॉक्टर महबूब सादल और मैं गनी सरपंच डांठट और एक दो आदमी और हम सारे के सारे भरतपुर बैठ करके राहुल प्रकाश से बात करके आए थे, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट दिए वो कोई 2-4 महीने नहीं हुए, अभी मेरे ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 दिन पहले का स्टेटमेंट आपके पास रिकॉर्डली होगा, वो बहुत जल्दी आप लोग कह देते हो ये बात वो नहीं किया ये नहीं किया। आज हम इन गरीबों की मदद भी कर रहे हैं और अगर कोई मदद करते करते हम लोग कोई अरे हर चीज को हम गाएंगे नाचेंगे थोड़ी, कई चीज ऐसी भी तो है कि हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं तो ये सोशल मीडिया वालों को बुला के काम करेंगे तभी काम होगा क्या? हमारे हर चीज निगरानी में है, हर चीज को हम समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी नजरअंदाज हम करने नहीं जा रहे इस चीज को। मैं तब करूंगा आंदोलन तब मैं 10,000 पीड़ितों के मुकदमों में कम से कम 2,000 मुकदमे तो मैं देख लूं कि 2,000 मुकदमे हो चुके हैं पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही या कोई और नहीं कर रहा।
अभी तक तो मुकदमे कम से कम 100 भी नहीं हुए। 100 मुकदमों को बता दो मेरे लिए आप, 2000 जब बताऊं, 100 मुकदमों का रिकॉर्ड दे दो मेरे लिए आप, 100 मुकदमे दर्ज यहाँ हो गए, 100 मुकदमों पर मैं कल आंदोलन कर दूं, कहां है 100 मुकदमे बता दो। जिस दिन 2000 मुकदमे खिलाफ हो गए ना, उस दिन तिल मिलाट मच जाएगा। सरपंच साहब, आपने आईजी से मीटिंग की थी, आईजी ने कोई आईजी ने खुला कहा है, खुल के कहा है मुकदमे कराओ, कोई थाने में कोई रोक टोक नहीं होगी, सीधे मुकदमे दर्ज होंगे, लेकिन लोकल थानों से संबंधित जो लोग हैं वो पहले अपना मुकदमे दर्ज कराएं। रिकवरी मामले में आपकी रिकवरी मामले में ये हुआ, 1 करोड़ से अधिक पैसा आईजी साहब ने बरामद करवाया है रिमांड के दौरान, बाकी 1.5 से 2 करोड़ रुपए का जो है वो बताया जा रहा है कि जो कुछ पंच सरपंचों पर आईजी साहब ने सैफुल ने बताया है कि वो आईजी साहब के पास और अधिकारियों के पास रिकॉर्ड लियो जी लिखित में। आईजी साहब, वो आईजी साहब उनको छोड़ेंगे नहीं। आईजी साहब ने आपको कोई ऐसा आश्वासन दिया हो हम इन पैसों को रिकवरी करने के बाद में पीड़ित परिवार को बांट देंगे या दे देंगे? देखो ऐसा है, वो डिस्कस उन्होंने नहीं की, हमने की थी उनसे। अच्छा, मोको माननीयवर हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर ये 3 से 4 करोड़ रुपए तक इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास एक परफॉर्मा है जो गरीब रैंक के लोग हैं जिनकी 1,42,000 के लगभग अर्जियां के नाम पे ठगे गए हैं, उस हिसाब से जो है हमारा जो है एक एक सदस्य है उनको अगर आप कवरेज कर लेते हो तो ये पैसा हम उनको तकसीम करवा दें। ये हमने रखी थी उनके सामने बात, उन्होंने इस बात से कहा था कि अगर पैसा और ज्यादा हमारे पास आता है बहुत जल्दी तो हम इन पैसों को जल्दी से जल्दी अनुमति लेकर के जो भी डिस्कशन करके स्टाफ में बातचीत करके इनको उन्हीं के लिए तकसीम करेंगे जो गरीब रैंक के लोग हैं, बिल्कुल जो नीची क्वालिटी के आदमी हैं, जो परेशान लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहा आगे सवाल सरपंच साहब, सैकुल पे अब तक कहां तक कार्रवाई है, उसको जैसी भेज दिया गया या फिर अभी भी उससे पूछताछ चल रही है? सैकुल अभी रिमांड पर ही घूम रहा है। अच्छा, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मुकदमे दर्ज सैकुल के रिमांड के दौरान ज्यादा से ज्यादा होंगे तो वो उतने मुकदमे दर्ज कराओ, इतने कराओ कि गरीबों से वो फैसले करने पर मजबूर हो, और उनके जो साथी हैं जो सरगना हैं उन लोगों को उस स्वीकार करें और पुलिस उनको दोषी मान करके FIR लॉन्च करे उनके खिलाफ, क्योंकि ये लोग जो FIR दर्ज कर रहे हैं ये तो एक तो उसके खिलाफ कर रहे हैं जिसने पैसा दिलवाया है, एक उसके खिलाफ कर रहे हैं जो अगला एजेंट है, और एक सैकुल के खिलाफ कर रहे हैं, सैकुल के परिवार के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन सैकुल के पास पैसा पहुंचने के बाद दूसरे पॉइंट पे पैसा जो ट्रांसफर हुआ है लीडरी नेतागिरी और बड़े लोगों के पास, उनको सैकुल स्वीकार करेगा रिमांड के दौरान और उनको पुलिस फिर सैकुल के कहने से मुलजिम बनाए, तब हम पुलिस की ईमानदारी मानेंगे, तब पुलिस को हम ईमानदार मानेंगे। हमारा कहना है, और हम आप कह रहे हो आंदोलन, मैं आंदोलन से नहीं डरता हूं, आंदोलन में बड़ा से बड़ा करने में सफल रहूंगा, और मैं बिल्कुल ना भूख को जानता हूं ना प्यास को जानता हूं, और ना मैं किसी लालच और स्वार्थ में बिकने वाला हूं। मैं आज भी अपने भाइयों के साथ हूं, मैं कल भी भाइयों के साथ रहूंगा, जितना संभव प्रयास मेरा हो सकेगा उतना संभव प्रयास मैं आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ता रहूंगा और लड़ूंगा। रहा मसला इस चीज का, आंदोलन तभी होगा तब आप व्यक्तिगत मुकदमे दर्ज कराओगे, चाहे कोर्ट से कराओ चाहे आप अटैचमेंट कराओ। इन मुकदमों में पहाड़ी गोपालगढ़ जुरेड़ा यहाँ वहां जो भी है हमारे थाने, इनमें सारे पूर्ति करो और हमें FIR की कॉपी दो, ताकि उस चीज को लेकर के हमें अगर पुलिस की कमी नजर आई और पुलिस ने कहीं कमी कोताही बरती तो उसके खिलाफ हम पुलिस को ये वार्निंग दे आंदोलन के हिसाब से कि भाई आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। और पैसे की वसूली पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, पुलिस पैसा वसूल करे इनसे, और कोर्ट कचेरियों पर भी हम प्रेशर इस तरीके से बनाएंगे संवैधानिक रूप से कि साहब जो है इनका जितना भी जो है ऑर्डर है, इनके बिल्डोजर के भी ऑर्डर हों, इनकी संपत्तियों को भी हजम किया जाए, जब्त किया जाए, और जो इनके पीड़ित हैं और जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराए उनके लिए वो फायदा मिले। ठीक है, हमारा